हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। और सामने देख रहे हैं आप कि कैडर ब्राउन कलर में खड़ी है रेनो की ट्राइवर। और इस गाड़ी की ये खासियत है, ये कलर जो है सबसे ज़्यादा बिकने वाला, इस समय में सबसे ज़्यादा बिकने वाला कलर यही है। इसी कलर में जो गाड़ी आ रही है वो सबसे ज़्यादा बिक रही है कंपनी की तरफ से। तो इसके बारे में पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि ऐसे ही वीडियो में आपके लिए बनाता रहूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट में देखेंगे, आपको बड़ी सी विंडशील्ड दिख रही होगी। और ये रहे दो वाइपर। और अब ये जो बोनट का डिज़ाइन है ये देख रहे होंगे, ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। ज़्यादा बड़ा बोनट नहीं है, ठीक है। और थोड़ा नीचे आएंगे तो नीचे दिख रहा होगा आपको बड़ा सा लोगो रेनो का, और साथ ही साथ क्रोम की जो फिनिश दी है तीन लाइनों में, वो भी बड़ी प्यारी लगती है। ये देखिए कुछ इस तरह का लुक इसका आता है। और नीचे आएंगे, नीचे आपको मिल रही है स्किड प्लेट, जो कि मैट फिनिश में है, सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट दी जा रही है। और ये पहले आती थी, ये ग्लोसी फिनिश में आती थी, लेकिन अब जो है कंपनी ने चेंज कर दिया, मैट फिनिश में देने लगी है कंपनी। अब हम यहाँ देखेंगे, आपको हैलोजन हेडलैम्प मिल रही है, हाई बीम लो बीम के लिए दोनों मिल रही हैं। और उसके नीचे आएंगे, आपको क्रोम फिनिश मिल रही है, ये आपको DRL मिल रही है, ये देखिए DRL मिल रही है। साथ में उसके आसपास जो है क्रोम की फिनिश दे रहे हैं ये लोग। ये देखिए कुछ इस तरह फ्रंट का जो है लुक दिखता है इसका, फ्रंट प्रोफाइल ऐसी है। और अब हम आएंगे साइड में, साइड में सबसे पहले बात करेंगे व्हील की। तो ये स्पोक व्हील है, अब इसको आप एक बार देखिए, ये देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ये एलॉय व्हील है, बट ये स्पोक व्हील है। डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि ये ऐसा लगे कि ये एलॉय है। तो बीच में ये देखिए, बीच में यहाँ पे भी क्रोम फिनिश दी गई है, और ये लोगो दिया गया है रेनो का। और टायर की प्रोफाइल है जो 185/65R15 का जो है टायर दे रहे हैं इसमें, और ये C8 का टायर मिल रहा है इसमें। और ये जो फेंडर पे जो क्लैडिंग, फेंडर पे जो यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता था, लेकिन अब तो यहाँ से चेंज ही कर दिया है सभी में, यहाँ से उठा के आपको ORBM पे दे दिया गया है। ORBM का कलर ब्लैक है, और यहीं पे आपको इंडिकेटर भी मिल रहा है, ये देखिए। और ये रही आपकी डोर क्लैडिंग स्टिकर नीचे, ए पिलर बी पिलर ब्लैक हैं। और यहाँ पे देखिए बॉडी कलर डोर हैंडल मिल रहा है इसमें, जो कि ये कलर ही प्यारा है भाई, इतना प्यारा कलर है कि ये सबसे ज़्यादा यही बिक रहा है, चाहे वो ड्राइवर हो या फिर काइगर हो। और अब पीछे साइड आएंगे तो ये देखिए फ्यूल फिलर कैप, इसके जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 40 लीटर है। अब हम चलेंगे रियर में, और रियर की बात करेंगे, रियर प्रोफाइल की बात करेंगे। चलिए ये देख लीजिए, रियर में कुछ गाड़ी ऐसी लगती है। हम थोड़ा फास्ट जाते हैं, हाई माउंट स्टॉप लैंप ये आपको यहाँ दी गई है, रूफ स्पॉइलर है, डिफॉगर है, और साथ में वाइपर है। क्योंकि ये RXZ मॉडल है, टॉप मॉडल है, इसलिए आपको वाइपर प्रोवाइड किया है कंपनी ने। और ये रहा रेनो का लोगो। और बड़ी सी जो है आजकल ट्रेंड चल गया है सभी कंपनियों का, क्योंकि ये अपनी ब्रांडिंग जो है दे रहे हैं, पीछे ये ड्राइवर लिखा हुआ है। और ये रही आपकी बैक लाइट, जो कि ईगल बीक शेप में है,
वो भी बहुत प्यारी लगती है। और नीचे थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो रेनो की जो है बैजिंग है, और नीचे 3 पार्किंग सेंसर, ये देख रहे हैं 3 पार्किंग सेंसर दे रखे हैं। और नीचे रही स्किड प्लेट, वो भी मैट फिनिश में है, सिल्वर फिनिश में। और साथ ही साथ रियर पार्किंग कैमरा भी दे रखा है इसमें, जो कि अच्छी तरह प्लेस किया गया है इसको। ये देखिए, ये रहा रियर पार्किंग कैमरा, वो इसकी क्लियरिटी भी बहुत ही अच्छी है, और इस तरह से प्लेस किया गया है कि ये पूरा आप रिवर्स करेंगे पूरा कवर करेगा। अब कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की बात। बूट स्पेस ज़्यादा नहीं दिया गया है, 80 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। और अगर हम रियर की सीट जो है फोल्ड कर देंगे, हटा देंगे इनको, तो 360 लीटर का बूट स्पेस जो कि बहुत बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा शायद जो है किसी मुझे नहीं लगता किसी कंपनी गाड़ी में होगा इतना बड़ा बूट स्पेस, अगर रियर सीट को हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये रिमूवेबल हैं, सीट रिमूव हो जाती हैं दोनों। यहाँ से हम उठाएंगे तो ये डाउन होगी, यहाँ से और यहाँ से इसको उठाएंगे तो ये भी डाउन हो जाएगी, दोनों जो है अलग हट जाती हैं ये सीट। और सीट लगा के इतना ही स्पेस है, जो कि मुझे नहीं लगता, थोड़ा कंपनी को बढ़ा देती तो और अच्छा रहता, तो शायद है कि आर्टिगा से जो है इसकी टक्कर हो जाती। अब बूट को करते हैं बंद। अब करेंगे हम अंदर, देखेंगे अंदर क्या क्या है इंटीरियर। ये देखिए ड्यूअल टोन में इसका जो है डैशबोर्ड है, ये रहा इसका डोर, और ये देखिए डोर ओपनर है, सिल्वर कलर में दिया गया है। और यहीं पे आपको जो है आर्म रेस्ट जो है दिया गया है, इसी पे आपको सभी विंड पावर विंडो के कंट्रोल्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBM यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली ORBM को। और ये वन टच डाउन है, ड्राइवर साइड जो है मेरा रहिए वन टच डाउन है, एक बार टच करेंगे आप पूरा डाउन हो जाएगा। और ये रहा स्पीकर एक, और यहीं पे बॉटल होल्डर भी है, 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी, थोड़ी छोटी भी बॉटल एक आ सकती है। अब अंदर देखते हैं, अंदर आपको देखिए सीट जो है हाइट एडजस्टेबल है, और इसको 6 वेज से 6 तरीके से आप एडजस्ट कर सकती हैं सीट को। सीट जो है ये सीट कवर नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे सीट कवर है, फैब्रिक है ये। और सपोर्ट भी अच्छा दे दिया है इसका, थाई सपोर्ट वगैरह बैठ। अब चलिए बैठ के बात करते हैं अंदर। ये देख लीजिए, अभी आ चुके हैं हम गाड़ी के अंदर, इसको करते हैं सीट को थोड़ा सा पीछे। ये रही इसकी स्टेयरिंग, स्टेयरिंग काफ़ी स्मूथ है, छोटी है, और चलाने में भी बहुत ही स्मूथ लगती है। और इसी पे आपको जो है यहाँ पे स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल दे दिए हैं, और ये रही टेलीफोनिक कंट्रोल, यहीं से आप फ़ोन को उठा सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं यहीं से। और ये रहा आपका डैशबोर्ड, डैशबोर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इतना तो बड़ा है कि आराम से आप जो है कुछ थोड़ा मोड़ा इस जो है हम यहाँ पे भगवान की मूर्ति वगैरह रखते हैं रख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है। और ये रही एसी बेंड्स, ये रही पूरी क्रोम की फिनिश इसी पे, और सिल्वर कलर ये दे रखा है, मतलब पूरा लुक इसका जो है चेंज कर दिया गया है। पहले यहाँ पर ये जो पट्टी है ये ब्लैक ग्लोसी फिनिश में आती थी, लेकिन अभी ये सिल्वर ग्लोसी फिनिश में है। ये इसमें आपको 4 एयरबैग मिल रहे हैं, और इस तरफ देखेंगे वैनिटी मिरर, और ये है रीडिंग लैंप, ये डे नाइट एडजस्टेबल IRBM, और ये रहा आपका टिकट होल्डर। तो इतना सब कुछ हो गया। अब ये रहे ग्रैब हैंडल, जो कि फोल्डेबल नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। और ये देखिए
ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल रहा है इसमें, और ये रहा 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, और यहीं पे आपका डिफॉगर और हैजार्ड लाइट और पावर विंडो लॉक अनलॉक का बटन भी दे रखा है। और ये रही एसी के सारे कंट्रोल्स, जो कि मैनुअल एसी है, ऑटोमेटिक नहीं है, तो ये कंट्रोल पूरे हैं। और ये रहा आपका गियर नॉब, और नीचे आएंगे, नीचे आपको एक यूएसबी का सॉकेट मिल रहा है, एक ऑक्स का सॉकेट मिल रहा है। और ये देखिए, ये रहा आपका हैंड ब्रेक, और ये देखिए इस पर भी क्रोम दे दी है। ये रियर एसी के लिए है, यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये है कूल्ड ग्लोब बॉक्स, चिल्ड तो नहीं करेगा लेकिन बॉटल को ठंडा रखेगा, ये कूल्ड ग्लोब बॉक्स है। और यहाँ दो ग्लोब बॉक्स मिल रहे हैं, एक ग्लोब बॉक्स ये रहा और एक इसके नीचे, जो कि ये भी कूल्ड है, वो देख रहे हैं वहाँ से ठंडी हवा आती है। स्पेसियस तो गाड़ी है ही, क्योंकि मेरे पास भी गाड़ी है तो आपने वीडियो देखे ही होंगे मेरे। अब चलते हैं पीछे वाली सीट पे, पीछे वाली सीट पे भी देख के बताते हैं क्या चीज़ है यहाँ। ये रियर का गेट खुल गया, और यहीं पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल, ये डोर ओपनर, यहाँ पे भी वाटर होल्डर मिल रहा है, और ये स्पीकर यहाँ पे भी मिल रहा है। और स्पेस देखा जाए तो स्पेस इसमें भी ठीक है, और ड्राइवर साइड में जो है हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, ना को ड्राइवर में है, और रियर सीट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं, और सबसे वाली सीट पे भी, सबसे पीछे वाली सीट पे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं। स्पेस के मामले में ज़बरदस्त है। और अब बताने वाला हूँ एक मज़ेदार चीज़, इसका जो जैक है वो यहाँ पे नीचे प्लेस करा गया है, वो दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है, ये रहा जैक, अभी दिखाता हूँ मैं, ये है जैक, ये यहाँ पे प्लेस किया गया है। जिसको नहीं है पता उसके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो इसका जो जैक है ये रियर सीट है उसके नीचे प्लेस करा गया है। और अंडर बॉडी आपको इसकी जो है स्टेपनी मिल जाएगी। और पीछे पीछे देखेंगे, वो देख रहे हैं पीछे, वो देखिए एक और जो है 12 वोल्ट का सॉकेट वहाँ दिया गया है, जो रियर सीट पे सबसे लास्ट वाली सीट पे बैठेगा वहाँ मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकता है। और एक जो है यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, यहाँ पे भी आप मोबाइल लगा के चार्ज कर सकते हैं। स्पेस के मामले में ज़बरदस्त है। और अब कर लेते हैं इसके इंजन की बात, तो इंजन है 1000 cc नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कई वीडियो में, तो सेम इंजन है, इंजन में कोई भी बदलाव नहीं है, जो कि 71 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब इसके प्राइस की बात और कर लेते हैं, इसका एक्सोरूम प्राइस है 7,63,000। हर जगह का अलग अलग होता है, मैं झांसी का बता रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए